सभी के हमारे YouTube चैनल पे बॉटनी लेक्चर में अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ गए हैं। इसके पहले हमने पहले लेक्चर में एल्गी के पहले लेक्चर में 51 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन में बायोलॉजी से क्वेश्चन, खासकर एल्गी टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं जो इस वीडियो में है। बचे हुए बाकी के 50 क्वेश्चंस आपके सामने हम रखने वाले हैं, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्लास ऑफ एल्गी वाउचेरिया इज इंक्लूडेड, कौन से क्लास में वाउचेरिया को इंक्लूड किया गया है। पहला फियोफाइट्स, दूसरा साइलोफाइट्स, यहाँ पर ए कर लीजिएगा, वाई के बाद ए हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है, साइनोफाइसी, दूसरा जेंथोफाइसी और चौथा नंबर हो जाएगा रोडोफाइसी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जेंथोफाइसी। स्मिथ है, किसने, स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने जेंथोफाइसी में पाउचेरिया को रखा है, जबकि एफ ई फ्रिश ने इसमें रखा है क्लोरोफाइसी में रखा है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके स्थान पर क्लोरोफाइसी होता तो वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल आप कॉलोनियल सिनोसिटिक एल्गा, कॉलोनी भी बनाता हो और सिनोसिटिक भी हो, तो इनमें से कौन सा एल्गी है जो कॉलोनियल हो और सिनोसिटिक हो। इसका पहला ऑप्शन होगा ओडोगोनियम, दूसरा वालवाक्स, तीसरा हाइड्रोडिक्टियन, चौथा आलाप्देवप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वालवाक्स के साथ चला जाएगा, सिनोसिटिक होता है और कॉलोनी बनाता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं, इसके पहले भी हमने 50 क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं अपने पहले लेक्चर में एल्गी के, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि दोनों आप देखेंगे तो आपका एक भी एल्गी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी कंपटीशन में जाएंगे देने तो एल्गी से आने वाले सारे क्वेश्चन के जवाब आपके पास होंगे, ठीक है। तो इसका पहला वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए, चैनल में जाइए, वहाँ पर पहला ही वीडियो जो होगा जो अभी रिसेंटली अपलोड किया गया है उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया, इसका पहला ऑप्शन जे सी बोस, दूसरा एम ओ पी एंगर, तीसरा डॉक्टर के सी मेहता, चौथा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एम ओ पी एंगर, एम ओ पी एंगर को फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वालवाक्स एंड कारा आर, वालवाक्स और कारा, अब आपको इसमें से हम बता दें वालवाक्स जो होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पहले से बता दें क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी के ज़्यादातर मेंबर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। तो अब कारा के बारे में कन्फ्यूज होंगे, तो कारा भी आप देख लीजिए ऑप्शन में दे रहा है मैराइन वाटर एल्गी, दोनों मैराइन वाटर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा, खारे पानी में दोनों पाए नहीं जाते, क्योंकि वालवाक्स फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा फ्रेश वाटर एल्गी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर एल्गी दोनों होते हैं, ठीक। रनिंग वाटर एल्गी नहीं हो सकता, सैलाइन वाटर एल्गी भी नहीं हो सकता। अगला है एल्गी आर, एल्गी क्या होते हैं, थैलोफाइट होते हैं, दूसरा फिलोगेम्स होते हैं, तीसरा जियोकार्पिक होते हैं, चौथा ए क्लोरोफिलस होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइट्स, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, यानी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला है रेड एल्गी विच इज़ नॉट रेड इन कलर, इनमें से कौन सा एल्गी है जो रेड कलर का नहीं होता लेकिन रेड एल्गी कहा जाता है। देखिए पॉलीसाइफोनिया, अब देखिए जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं सबको रेड एल्गी कहा जाता है, यानी इसमें से पॉलीसाइफोनिया भी रेड एल्गी है, बटरकोस्पर्मम भी रेड एल्गी है, ग्रेसिलेरिया भी रेड एल्गी है, लेकिन बटरकोस्पर्मम रेड कलर का नहीं होता, रेड एल्गी है लेकिन रेड कलर का नहीं होता, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओके। बायोफर्टिलाइजर्स आर ब्लू ग्रीन एल्गी, बायोफर्टिलाइजर्स कौन होते हैं इनमें से, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या ग्रीन एल्गी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम ब्लू ग्रीन नीले हरे शैवालों का होता है, और यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा क्वेश्चन में ग्लोबुल एंड नाक्यूल आर सेक्स ऑर्गन, ग्लोबुल और नाक्यूल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो किसके होते हैं, पहला कारा का, दूसरा वालवाक्स का, तीसरा ओडोगोनियम का, चौथा सार्गासम का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कारा के साथ चला जाएगा,
ग्लोब्यूल जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, नॉक्यूल जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और किसके होते हैं दोनों, कारा के होते हैं। अगला, हैप्नोस्पोर्स डेवलप इन एल्गी, एल्गी में हैप्नोस्पोर यानी हैप्नोस्पोर किस में बनता है, पहला ऑप्शन हाइड्रोडिक्टियन, दूसरा क्लेमाइडोमोनास, तीसरा ओडोगोनियम, चौथा बाउचेरिया। इसका राइट आंसर जो होगा वो है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में हैप्नोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूनिलाकुलर एंड प्लूरिलाकुलर स्पंजिया आर फाउंड इन, यूनिलाकुलर और प्लूरिलाकुलर स्पंजिया का किस में बनता है, पहला ऑप्शन देख लीजिए पॉलीसाइफोनिया, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए बटरेकोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन है इक्टोकार्पस, चौथा है नान ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इक्टोकार्पस के साथ चला जाएगा। इक्टोकार्पस में दो टाइप के स्पोरंजिया का फॉर्मेशन होता है, यूनिलाकुलर एंड प्लूरिलाकुलर, ठीक है, यूनिलाकुलर एंड प्लूरिलाकुलर। यूनिलाकुलर स्पोरंजिया से हैप्लॉयड ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हैप्लॉयड ज़ूस्पोर का, जबकि प्लूरिलाकुलर से डिप्लॉयड ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, विच आर द फॉलोइंग इज इज मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी, इनमें से कौन सा है जो एल्गी का मोस्ट एडवांस ग्रुप है, पहला साइनोफाइटा, यहाँ पर एक कर लीजिएगा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, साइनोफाइटा, दूसरा रोडोफाइटा, तीसरा है फ्योफाइटा, चौथा क्लोरोफाइटा। राइट आंसर इसका जो होगा, रिसेंट में हमने पढ़ाया था पॉलीसाइफोनिया पाया जाता है इसमें, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोडोफाइटा। ओके, नेक्स्ट, वाटर नेट इज कॉमन नेम, वाटर नेट इनमें से कौन से एल्गी का कॉमन नेम किस है, वाटर नेट, पहला ऑप्शन वॉलवॉक्स, दूसरा ओडोगोनियम, तीसरा हाइड्रोडिक्टियन, चौथा माइक्रोसिस्टिस। तो वाटर नेट के नाम से हाइड्रोडिक्टियन को जाना जाता है, तालाब में देखेंगे आप नदियों के किनारे सरफेस पे, ठीक है, नेट लाइक जाल की तरह संरचना बनाता है ये, किसी भी आप एक छोर से आप अगर इसकी कॉलोनी को खींचते हैं पूरा खींचा चला आएगा, यानी हाइड्रोडिक्टियन किसकी तरह होता है, एकदम नेट की तरह होता है, जाल की तरह इसकी कॉलोनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन। नेक्स्ट, कारा इज कॉल्ड क्लब मास, कारा को क्या कहा जाता है, क्लब मास, स्टोनवर्ट, एक्वाटिक फर्न, एक्वाटिक ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा गलत हो जाएगा, फर्न भी गलत हो जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्लब मास लाइकोपोडियम को बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोनवर्ट, स्टोनवर्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हैप्लॉयड ज़ूस्पोर इन एक्टोकार्पस डेवलप फ्रॉम, हैप्लॉयड ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन एक्टोकार्पस से किससे के द्वारा होता है, पहला प्लूरिलाकुलर, दूसरा है यूनिलाकुलर स्पोरंजिया। तो अब इसके पहले भी हमने बताया यूनिलाकुलर स्पोरंजिया से हैप्लॉयड ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिलाकुलर स्पोरंजिया, ठीक है। अगला है इन पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया में कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, या नॉट फिक्स या फिक्स ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्पोस्पोरोफाइट स्पोरोफाइट की तरह बिहेव करता है और स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड। अगला, गैडकोप फिनोमेना इज फाउंड इन, गैडकोप फिनोमेना इनमें से किस में पाया जाता है, ऑसिलेटेरिया में, साइटोनोमेमा, या ग्लूट्रैकिया में, या नॉन ऑफ द एबव या दीज। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑसिलेटेरिया के साथ चला जाएगा, गैडकोप फिनोमेना ऑसिलेटेरिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, सब लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जितना हो सके वीडियोज़ को मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर कीजिएगा, हो सके तो 24 घंटे के लिए अपने स्टेटस पर जरूर अपलोड कीजिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि इससे आपको हेल्प मिल रही है, हमारे लेक्चर से, हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो अपने स्टेटस पर 24 घंटे के लिए जरूर लगाइए। अगला क्वेश्चन है, प्लैकिया स्टेज इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉलवॉक्स इज ए, प्लैकिया स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वॉलवॉक्स में, कितने सेल का होता है, पहला ऑप्शन 4 सेल का, दूसरा 8 सेल का, तीसरा 16 सेल का, चौथा है 32 सेल स्टेजेस। इसका राइट आंसर 8 सेल स्टेज जो होती है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लैकिया स्टेज। अगला क्वेश्चन, पॉलीहेड्रॉन इज फाउंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ, पॉलीहेड्रॉन किसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होता है, पहला कारा, दूसरा साइटोनिमा, यहाँ पर यस के बाद सी कर लीजिएगा साइटोनिमा, तीसरा है हाइड्रोडिक्टियन, चौथा है ऑसिलेटेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन,
हाइड्रोडिक्टियर में स्टार शेप बनता है स्ट्रक्चर, और उस स्टार शेप स्ट्रक्चर में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन। अगला है एन ओडोगोनियम सेल हैज टू एपिकल कैप, इट मीन्स सेल हैज डिवाइडेड। ओडोगोनियम में दो एपिकल सेल पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, ऐसे ऊपरी सतह पे इस तरीके से दो एपिकल सेल का फॉर्मेशन हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सेल कितनी बार डिवाइड करती है, ऊपरी वाली सेल यानी टॉप वाली जो सेल होती है कितनी बार डिवाइड करती है, पहला ऑप्शन 2 टाइम्स, दूसरा 3 टाइम्स, तीसरा 4 टाइम्स, चौथा है 5 टाइम्स। इसका राइट आंसर जो होगा वो पहले के साथ चला जाएगा, यानी 2 टाइम्स डिवाइड करता है और दो एपिकल सेल का फॉर्मेशन करता है। गैंग्रोसिया स्टेज इज सीन, गैंग्रोसिया स्टेज किस में पाई जाती है, पहला ऑप्शन कारा, दूसरा ऑप्शन बाउचेरिया, तीसरा ऑप्शन ओडोगोनियम और चौथा ऑप्शन है वॉलवॉक्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा बाउचेरिया, यानी बाउचेरिया के साथ ही चला जाएगा, ठीक है। अगला इन ओडोगोनियम द ननेंडियम डेवलप फ्रॉम, ननेंडियम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, जो स्पोर द्वारा होगा, एंड्रोस्पोर द्वारा होगा, एप्लानोस्पोर द्वारा होगा या आग जो स्पोर द्वारा होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोस्पोर राइट आंसर हो जाएगा, यानी एंड्रोस्पोर के द्वारा ननेंडियम का डेवलपमेंट होता है, ठीक। अगला है फिलामेंट आर अनब्रांच इन, इनमें से कौन सा है जिसका फिलामेंट कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, पहला ऑप्शन ओडोगोनियम, दूसरा ऑप्शन जगनीमा, तीसरा ऑप्शन स्पायरोगायरा, चौथा आलाब्दीज। इसका राइट आंसर जो होगा आलाब्दीज के साथ चला जाएगा, यानी ये सभी फिलामेंटस होते हैं लेकिन अनब्रांच भी होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हार्मोगोनिया आर फॉर्म इन, हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन इनमें से किस में होता है, पहला नास्टाक, दूसरा बाउचेरिया, तीसरा कारा, चौथा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। जो हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन होता है ब्लू ग्रीन एलगी में होता है, BGA में होता है, और इनमें से ब्लू ग्रीन एलगी सिर्फ नास्टाक है, यानी नास्टाक में ही हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है इन विच क्लास ऑफ एलगी द सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, इनमें से कौन से क्लास का जो एलगी होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, क्या है फियोफाइसी, तीसरा मेक्सोफाइसी और चौथा बैसिलिरोफाइसी। इसका राइट आंसर जो होगा वो है मिक्सोफाइसी, यानी मिक्सोफाइसी में ही होता है, ठीक है। मिक्सोफाइसी में जो सेल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया उनको कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है गर्डिल शेप प्लास्टिड आर फाउंड इन, गर्डिल शेप जो प्लास्टिड होता है किस में पाया जाता है, पहला यूलोथ्रिक्स, दूसरा स्पायरोगायरा, तीसरा ओडोगोनियम और चौथा है हाइड्रोडिक्टियन। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में जो प्लास्टिड होता है वो गर्डिल शेप पाया जाता है। नेक्स्ट है सेल वॉल इन एल्गी इज मेड अप ऑफ, एल्गी की जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, पहला काइटिन, दूसरा सेलुलोज, तीसरा सब्रिन, चौथा क्यूटिन। तो मैं आपको बता दूं काइटिन की जो सेलवाल होती है वो फंजाई की बनी होती है, फंजाई की सेलवाल किससे बनी होती है, काइटिन से। सेलुलोज सब्रिन और क्यूटिन से बनी होती है एल्गी की, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़्यादातर जो एल्गी की सेलवाल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। नेक्स्ट है एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, एगार किससे ऑब्टेन किया जाता है, पहला कॉलरपा, दूसरा है लेसोनिया, तीसरा ग्रेसिलेरिया, चौथा लेमिनेरिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेसिलेरिया, यानी ग्रेसिलेरिया में एगार ऑब्टेन किया जाता है। ऑयल इज रिजर्व फूड, ऑयल किसका रिजर्व फूड मटेरियल है, पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी और चौथा है जेंथोफाइसी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी जो है ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल है। ओके नेक्स्ट थैलासा बाउचेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ ए मोटाइल कॉलोनी नॉन मोटाइल कॉलोनी। तो आपको बता दें बाउचेरिया का जो थैलस होता है कॉलोनी नहीं बनती है, तो यानी क्या हो जाएगा ये यही गलत हो जाएगा, ये दोनों
गलत हो जाएंगे, पूरा पूरा फिलामेंट भी गलत हो जाएगा। फिलामेंटस भी नहीं होता ये, साइफोनेसियस थैलस होता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, सी नंबर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विच एल्गा इज कॉमनली यूज इन स्पेस रिसर्च, इनमें से कौन सा एल्गा है जो कॉमनली स्पेस रिसर्च के लिए यूज होता है? पहला ऑप्शन स्पायरुलिना, दूसरा पोरफायरा, तीसरा क्लोरेला, चौथा जिलिडियम। तो पहला ऑप्शन इसका जो होगा वो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरेला को स्पेस रिसर्च के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे उतना इंपॉर्टेंट है ये, समझिए। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सेल्स इन कॉलोनी ऑफ माइक्रोसिस्टिस, कितने सेल होते हैं नंबर में माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी में? पहला है इनफाइनाइट, बिल्कुल नहीं। दूसरा 2 से 8, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 4 से 32, ये भी नहीं होगा। चौथा है मोर देन 100, सौ से ज़्यादा हो सकती है, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉन मोटाइल थिन वाल स्पोर ऑफ एल्गी आर कॉल्ड एज, नॉन मोटाइल होगा, थिन वाल होगी, यानी ऐसा स्पोर का फॉर्मेशन जिसकी जो नॉन मोटाइल हो और थिन वाल हो, एल्गी आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा एप्लानोस्पोर, चौथा जाइगो स्पोर। इसका राइट आंसर जो होगा एप्लाना स्पोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म थैलोफाइटा वाज क्वाइंड बाई, टर्म थैलोफाइटा किसने दिया? पहला लिनियस, दूसरा स्मिथ, तीसरा इंडलेचर, चौथा फ्रिश। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, इंडलेचर ने टर्म दिया था। ठीक है, अगला, एमाइलम स्टार्स आर फाउंड इन, एमाइलम स्टार्स किस में बनता है? पहला ऑप्शन नेबिकुला, दूसरा कारा, तीसरा पॉलीसाइफोनिया और चौथा है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है एमाइलम स्टार्स कारा में बनता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस ड्यू टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इज कॉलियोकीट। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोड्यूस ड्यू टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है बनता है। पहला है सिस्टोकार्प, दूसरा मेरिकार्प, चौथा तीसरा है स्पर्मोकार्प और चौथा नंबर है पेरिकार्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पर्मोकार्प, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव ट्रांसफर बैंड एट द डिस्टल एंड ऑफ सम सेल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, डिस्टिंक्टिव बैंड ट्रांसफर बैंड किस में बनती है? पहला ऑप्शन कारा, दूसरा ऑप्शन ऑसिलेटेरिया और तीसरा ऑप्शन है इसका कोलियोकीट, चौथा है ओडोगोनियम। इसका जो राइट आंसर होगा ओडोगोनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑसिलेटेरिया इज ए ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, ठीक है, येलो ग्रीन एल्गा या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गा होता है ऑसिलेटेरिया। ओके, क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। अगला क्वेश्चन है, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कारा आर, कारा का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होता है? पहला ऑप्शन है ग्लोबुल एंड नाक्यूल रेस्पेक्टिवली, दूसरा है नाक्यूल एंड ग्लोबुल, तीसरा है ग्लोबुल एंड कार्पोगोनिया, चौथा है नाक्यूल एंड स्पर्मेसिया। इसका राइट आंसर जो होगा वो है ग्लोबुल एंड नाक्यूल रिस्पेक्टिवली, यानी मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोबुल, फीमेल सेक्स ऑर्गन नाक्यूल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, एल्गी फाउंड ग्रोइंग अटैच टू बॉटम सोयल इन वाटर बॉडीज आर कॉल्ड, कौन सा एल्गी है जो वाटर बॉडी में सॉइल के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, उसे क्या बोलते हैं? पहला है प्लांकटोनिक, दूसरा बेंथोस, तीसरा सबट्रेनियन,
और चौथा है नान ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंथोस। बेंथोस बोलते हैं ऐसा एल्गी जो वाटर के अंदर हो, सॉइल में ग्रो कर रहा होगा नीचे, उसको हम बेंथोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस, प्री फ्लोटिंग होगा, कैसा होगा? प्री फ्लोटिंग अनब्रांच, अनब्रांच होगा फिलामेंट थैलस कौन सा है? पहला है यूलोथ्रिक्स, दूसरा है स्पायरोगायरा, तीसरा है ओडोगोनियम, चौथा है नान ऑफ दीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ओडोगोनियम। क्या है? ओडोगोनियम राइट आंसर हो जाएगा। यही है जो सरफेस पर, वाटर सरफेस पर ग्रो करता है, ठीक है, अनब्रांच होता है और फिलामेंटस होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेबिकुला इज रिलेटेड, क्या हो जाएगा इसमें? विच वन, यहां पर विद कट कर दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेबिकुला इज रिलेटेड, इनमें से किससे नेबिकुला रिलेटेड है? पहला ऑप्शन डेस्माइड, दूसरा डायटम्स, तीसरा पैरासिटिक एल्गा, चौथा है एपिफिटिक एल्गा। इसका राइट आंसर जो होगा डायटम्स। डायटम्स राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि डायटम्स जो होते हैं बैसिलियोफाइसिक से बिलोंग करते हैं और नेबिकुला बैसिलियोफाइसिक का मेंबर है, यानी डायटम्स होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, थैलोफाइटा नोन एज थैलस लाइक प्लांट स्ट्रक्चर, दूसरा वैस्कुलर बंडल एब्सेंट, तीसरा यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, चौथा है ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, वैस्कुलर बंडल भी एब्सेंट होते हैं, थैलस लाइक प्लांट स्ट्रक्चर भी होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन, एल्गी का क्लासिफिकेशन किस चीज पर बेस्ड है? पहला ऑप्शन टाइप ऑफ रिजर्व फूड, दूसरा ऑप्शन टाइप ऑफ पिगमेंट, तीसरा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, चौथा ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, यानी पिगमेंट के आधार पर ज़्यादातर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है एल्गी का। अगला, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म बाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म बाई ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। विच एल्गी नोन एज वाटर नेट इज, इनमें से कौन से एल्गी को वाटर नेट कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, पहला क्लोरेला, दूसरा वॉलवाक, तीसरा हाइड्रोडिक्टियन, चौथा क्लाइडोफोरा। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन। ओके, नेक्स्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिए, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। द मोमेंट ऑफ ऑसिलेटेरिया इज, ऑसिलेटेरिया मोमेंट कैसे होता है? ऑसिलेटेरी, ग्लीडिंग, रोटेटिंग या फिर बोथ ए और बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी दोनों तरीके से ए और बी, ग्लीडिंग टाइप और ऑसिलेटरी टाइप। नेक्स्ट है, वॉलवॉक्स इज रोलिंग एल्गा, फ्लोटिंग एल्गा, पिटेच एल्गा या सबमर्ज एल्गा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलवॉक्स इज ए फ्लोटिंग एल्गा, फ्लोटिंग करता है सब वाटर सरफेस के ऊपर, इसलिए फ्लोटिंग एल्गा हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज, ओडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है? स्टार शेप, स्पायरल शेप, रेटिकुलेट या कप शेप। तो जो ओडोगोनियम होता है उसका क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट टाइप, क्या हो जाएगा? रेटिकुलेट टाइप का होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ननेंड्रिया प्रोड्यूस, ननेंड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? ओगोनिया, जूस्पोर्स, एंथ्रेडिया, एकाइनेट, इसमें से किस चीज़ का प्रोड्यूशन करता है ननेंड्रिया द्वारा? इसका राइट आंसर जो होगा वो है एंथ्रेडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन रखे गए हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। अगला लेक्चर आपको ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगले लेक्चर में, वेट कीजिएगा,
जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके, जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल में, सभी शेयर करते रहिए। इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।